गुज़िश्ता कई बरसों से कश्मीर खासकर सियाहती मुकाम गुलमर्ग में सियाहों की आमद का सिलसिला लगातार जारी रहा और गुज़िश्ता कई बरसों में काफी तादाद में सियाहों ने गुलमर्ग की सैर की। महकमे सियाहत के जारी करदा अदादोशुमार के मुताबिक जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक 15,42,320 मुल्की सियाहों और गैर मुल्की सियाहों ने गुलमर्ग की सैर की। वहीं 4,83,840 मुकामी सैलानियों ने भी गुलमर्ग की सैर की। महकमे सियाहत के गुलमर्ग के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर जावेद रहमान ने बताया कि गुज़िश्ता कई बरसों के मुकाबले साल 2022 में रिकॉर्ड तादाद में सियाहों की गुलमर्ग में आमद रही। देखिए, अगर हम 2022 की बात करें तो जो हमारा फाइनल टूरिस्ट फिगर रहा अभी तक फर्स्ट जनवरी अप टू एंडिंग दिसंबर, अगर मैं उसकी बात करूं तो तकरीबन साढ़े पंद्रह लाख टूरिस्ट गुलमर्ग आए हैं इस साल, जो कि अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा पिछले 10 साल के मुकाबले में, फॉर एग्जाम्पल 2014 ऑनवर्ड्स, तो ये हाईएस्ट फिगर अभी तक है। तो ये हमारे डिपार्टमेंट के लिए और यहाँ के लोगों के लिए, खासकर जो इस ट्रेड से वाबस्ता है, जो टूरिज्म से किसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाबा, ये उनके लिए खुशकिस्मती की बात है, खुशाइन बात है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरह से हमारा जो 2022 का साल बंपर टूरिस्ट सीजन रहा हमारे इस लास्ट ईयर। गुलमर्ग सरवाई खेलों के लिए भी मशहूर जगह मानी जाती है। यहाँ कौमी और बैन अवी सतह पर सरवाई खेलों का एहतमाम होता है। खेलों के शुरुआत से भी यहाँ सयाहों के ज्यादा से ज्यादा आने की उम्मीद बढ़ जाती है। यहाँ हर साल मुल्की और गैर मुल्की स्कीइंग के घर से पहुँचते हैं। गुलमर्ग में सियाहत के फरोग के लिए सरवाई खेल कूद भी अहम कड़ी मानी जाती है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल भी अच्छा यहाँ टूरिस्ट इन्फ्लक्स होगा। जो क्वेरीज हैं होटलियर्स को, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि विंटर सीजन यहाँ है, जिसके लिए गुलमर्ग मशहूर तो है ही, और लोग जो हैं जो देश विदेश से यहाँ आना चाहते हैं, क्योंकि वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, जो एडवेंचर एक्टिविटीज जिसमें स्कीइंग हो, स्केटिंग हो, आइस हॉकी हो, आइस स्केटिंग हो, स्नो बोर्डिंग हो, या स्लेजिंग हो, या जो स्नो ट्यूब हो, बाकी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं जो यहाँ पर जो आने वाला जो सीजन है, जो मतलब 31 मार्च तक जो रहता है, जिसको हम ओपन रखते हैं रिजॉर्ट, ज्यादा से ज्यादा लोग फिर से गुलमर्ग आएंगे और जो विंटर सीजन है वो हमारा बम्पर रहेगा। गुलमर्ग में ज्यादातर सयाह बर्फ देखने के लिए आते हैं। ये सयाह बर्फबारी की वजह से गुलमर्ग को ज्यादा तरजीह देते हैं। गुलमर्ग की कुदरती खूबसूरती देखकर सयाह खुशी से फूले नहीं समाते। गोंडाला राइड किया हमने, फेज 1 फेज 2 दोनों किए, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, सबने करना चाहिए, बहुत अच्छी है। बर्फ देखा वहाँ से हमने, बरक्स भी देखे हमारे आर्मी के, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छे से हमको यहाँ ट्रीटमेंट मिला, लोग बहुत अच्छे हैं। मैं एक बात खास कहना चाहता हूँ, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, गाइड्स वगैरह बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, तो सबको यहाँ आना चाहिए। बच्चों के साथ आए हैं और बहुत मजा आया सबको, बहुत एंजॉय किया, इतना बर्फ बढ़िया मिला, इतना यहाँ पर अच्छे से हमारे को सारी जगह घूमने को मिला, नेचुरल ब्यूटी जो देखने आए थे, बहुत मजा आया। हम यहाँ पे आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे बर्फ बहुत अच्छी थी, उससे खेला, बहुत सारा खेला, तो मजा आया। गुलमर्ग दुनिया भर में मशहूर सियाहती मुकाम है। मुकामी आबादी, खासकर होटलों से जुड़े अफराद, टूरिस्ट गाइड, मरकबान, सिलेज वालों का रोजगार ज्यादातर सियाहती शोबे पर ही मुनहसर है। गुलमर्ग खूबसूरत वादियों, दिलकश झरनों, शोर मचाती नदियों और कुदरती हुस्न से मालामाल एक ऐसी जगह है, जहां कर हर कोई कुदरती हुस्न और दिलफरेब मनाजिर से महजूज होता है। इस खित्ते अर्ज में पहाड़, मैदान, नदियां और जंगल मौजूद हैं। दुनिया भर में सियाहती मुकाम गुलमर्ग की एक अलग पहचान है। उम्मीद की जा रही है कि रवा बरस भी रिकॉर्ड तादाद में सयाह गुलमर्ग की सैर करेंगे। जो रिकॉर्ड तादाद में सयाह जो आए हैं और यहाँ 15 लाख से जायद जो सयाह है वो यहाँ गुलमर्ग उन्होंने सैर की है, और इस तरह हम उम्मीद करते हैं कि जो साल 2023 है और उसमें भी हम उम्मीद करेंगे ज्यादा से ज्यादा जो सयाह है, रिकॉर्ड तादाद में जो सयाह है वो गुलमर्ग आएंगे और गुलमर्ग की इन हसीन वादियों से लुत्फानंदोज हो सकेंगे, और इस तरह से जिस तरह गुलमर्ग की अपनी खूबसूरती है और गुलमर्ग की जो खूबसूरती है वो दुनिया भर में मशहूर है, और इस तरह दुनिया भर से जो सयाह आए हैं, अगरचे कोविड का भी असर रहा है बीच में, मगर उसके बावजूद यहाँ 15 लाख से ज्यादा जो टूरिस्ट है वो साल 2022 के जनवरी से एंडिंग दिसंबर तक यहाँ आए हैं, जो महकमे सियाहत ने एदाद-ओ-शुमार जारी किया है, और अब हम उम्मीद करते हैं कि इस साल यानी 2023 में भी ज्यादा से ज्यादा सयाह जो है वारिद गुलमर्ग हो जाए और यहाँ की हसीन वादियों से लुत्फानंदोज हो सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा।